बाबा मेरा है तो मेरे काम आएगा ना। जो अपने होते हैं वो काम आते हैं, वो मेरा है मेरे काम आएगा, काम ले लो उससे। दूसरी बात, वो इससे सरल है और बहुत गहन है, बस उसे अपने अंतर मन में समा दो। देखो पहले सिद्धांत समझ लो, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति। जो कुछ हम सोच रहे हैं उसका निर्माण हो रहा है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, जो कुछ हम सोच रहे हैं उससे एक एनर्जी पैदा हो रही है, जो पहले हमारे ब्रेन में जा रही है, फिर शरीर में फैल रही है, फिर बाहर फैल रही है। उदाहरण, एक व्यक्ति बीमार है, वो यही सोचता रहता है, बीमारी बहुत कठिन है, सीवियर है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो क्या होगा? ये जो उसका संकल्प है, इसकी वो बैड एनर्जी फैलेगी दिमाग में, ब्रेन में, शरीर में, वो उसको ठीक नहीं होने देगी। और एक व्यक्ति बहुत बीमार है, हैवी स्ट्रोक आ गया है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं जीऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मुझे ठीक करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा, तो ये एनर्जी फैलेगी और उसको ठीक करेगी। हम जो सोच रहे हैं उस पे ध्यान दें, और हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो संकल्प पहले सुन लें। सवेरे उठकर कुछ दिन अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये संकल्प भर देना, और फिर जब भी कोई चिंता आए, कोई परेशानी आए, कोई डर लगे, क्या होगा ये क्वेश्चन उठे, तो ये संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। मेरे साथ, बोलो मुख से, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब ये दो संकल्प पहले हमेशा जीवन में पक्का कर दो, मेरे साथ स्वयं भगवान है और मैं बहुत भाग्यवान हूं। इसे बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलेगी। फिर संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चों को भी सिखा दो, इसको तो हम उनको भी सिखा देते हैं जो ज्ञान में नहीं है, सब सीख लेते हैं, ये तो सिंपल बात है, और कईयों का जीवन ही बदल गया इससे। सारी चिंताएं खत्म हो गई, क्या होगा, कैसे होगा, परेशानी हो रही थी, इस संकल्प ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इस संकल्प में जादू है। पसंद है ये संकल्प? करेंगे? एक लक्ष्य बना लो, संगम युग जब तक है हम बाबा के साथ रहेंगे या छोड़ जाएंगे? नहीं, बहुत लोग छोड़ जाते हैं बाबा को। मैं क्या करता हूँ, दो युग से पुकारते थे आओ आओ, और जब आया तो हम जाओ जाओ,
ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, चले जाते हैं छोटी बात से। जब तक संगम युग है, उठेंगे तो मुस्कुराएंगे, सोएंगे तो मुस्कुराएंगे, उठो भी मुस्कुराते हुए, सो भी मुस्कुराते हुए। बोलो ये कैसे होगा? कलयुग का अंत आ गया है, काम तो भारी है, पर ब्राह्मणों के लिए ये काम सरल है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान है। याद रखेंगे अपने अभ्यास में, जिन संकल्पों में हम सोते हैं वही संकल्प उठते ही स्वतः ही आते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जो लास्ट थॉट वही फर्स्ट थॉट, इसलिए मैं आपको पांच संकल्प लिखा रहा हूं, सोते हुए पांच पांच बार करके सोना तो मुस्कुराहट आ जाएगी जीवन में। बच्चे भी कहेंगे मम्मी क्या बात है, मुस्कुरा रही हो, सो जाओ। पहले तो ये दो संकल्प, मेरे साथ स्वयं भगवान है। इस अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिल गया, बहुत बड़ी बात है ना। जिसे ढूंढते थे, जिसके लिए सोचते थे एक बार देख लें तुम्हें, उसका साथ मिल गया। दूसरा, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तीसरा, बहुत सारे संकल्प हैं, मैं सोच रहा हूं कौन कौन से पांच लिखा दूं। तीसरा, एक सीन देखना, बाबा सामने आ गया और हथेली पर स्वर्ग लाया है, बच्चे तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आया हूं, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। सबसे बड़ा पद, राजाई पद हमें मिलने वाला है। चौथा संकल्प, मैं संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माया से अधिक शक्तिशाली हूं। और पांचवा, आप अगर मुरलियां रोज बहुत ध्यान से सुनते हो तो मुरलियों से एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं तुम कहाँ थे, कैसे धीरे धीरे नीचे उतरे हो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। पूरा चक्र याद दिलाते हैं, एक बार इसे याद कर लिया करें, दो मिनट में, एक मिनट का ही काम है। परमधाम से नीचे आए थे, क्या थे हम? स्वर्ग की तो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना धन था हमारे पास,
पवित्रता, सुख, शांति, संपदा, प्रेम सब कुछ भरपूर था। जो दुनिया में आज है वो था ही नहीं, न पुलिस, न कोर्ट, न डॉक्टर, न हॉस्पिटल, न इंजीनियर, न पुलिस। कितने झंझट हैं दुनिया में, कुछ नहीं था, आनंद ही आनंद, रोग भी कोई नहीं, कल क्या होगा सोचना नहीं, बीमारी कोई नहीं, ऐसा सुखी जीवन। तो ये पांच बातें याद करके सोया करो, उठते ही फिर याद करना, उठते उठते ही याद कर लेना, नींद से ही शुरू कर देना। अगर आप रात को इनको अपने अंतर मन में भर के सो तो आप देखेंगे सवेरे उठे नींद में ही हैं, याद आने लगेगा मेरे जैसा भगवान कोई नहीं, मुस्कुराने लगेंगे। अगर कोई बच्चा देख ले तो कहेगा मम्मी तो नींद में भी हंसती रहती है, सुना मैंने ये बात सुनी है इसलिए बता रहा हूँ। कई माताएं बताती हैं कि हमारा चेहरा इतना खुशनुमा रहता है तो किसी बच्चे ने देख लिया कहा मम्मी आप तो नींद में भी मुस्कुरा रही थी। खुशी अगर जीवन में है तो नींद में भी वो रहेगी। तो ऐसा सोते हुए भी मुस्कुराना है, उठते भी मुस्कुराना है, तो भाग्य मुस्कुराने लगेगा, जीवन ही मुस्कुराने लगेगा। और मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है, समस्याएं भागने लगेंगी, समस्याएं भागने लगेंगी, ठहरेंगी नहीं। तो अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना है कि जीवन बहुत सुख में बीते। मेरे साथ एक संकल्प करें सभी, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। लेना है, मनुष्य तो देख लिए, मुझे तो माताओं पे बड़ी दया आती है जब माताएं समस्या लेकर आती हैं। बच्चों को जन्म दिया, पाला, कितना प्यार किया, शादी कराई, बहू आ गई तो घर से निकाल दिया मुझे। मैं माताओं को देखता ही रहता हूँ कि बेचारी माताएं अपनों से कष्ट पाती हैं, सबके साथ नहीं होता, थोड़ों के साथ। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं माताओं को आंखों पे रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, सम्मान रखते हैं। सचमुच वो परिवार तो बहुत भाग्यवान है जिसमें बच्चे बहुत चरित्रवान हो। बस इतना याद रखेंगे, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिवार में सुख, शांति, प्रेम छाया रहेगा। याद रखना, बोलो मुख से, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिवार में सुख, शांति, प्रेम छाया रहेगा। तीनों की जरूरत है ना, तीनों ही चाहिए। तो अपने चिंतन को बहुत अच्छा बना देंगे, सीक्रेट सुन लें, चिंतन बदल दो आपका संसार ही बदल जाएगा, विचार बदल दो आपका जीवन ही बदल जाएगा।
मैं कभी कभी किसी किसी को देखता हूँ तो समझ में आता है कि सुखी रहना अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं, अपने हाथ में है। कोई व्यक्ति आपको बुरा बोलता है, आप कहेंगे हमारा तो सुखी चला गया, परंतु वो बुरा बोले हम अच्छा लड़ोल रहे हैं, चैलेंज कर दो, मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। माया कैसी भी आ जाए, लोग कैसा भी व्यवहार करें, हमारी स्थिति हमारे हाथ में। तुम गाली देते रहो, हम तो मुस्कुराते रहेंगे। कई बहादुर माताएं हैं ना बाबा के पास, पति तंग करते रहते हैं, ये रोज क्लास में जाती रहती हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। कहते हैं घर से निकाल दूंगा, निकाल दो, फिर चली जाती हैं सेंटर। संकल्प की बात है ना, और जिनके संकल्प ढीले हैं वो सोचेंगे पति घर से ना निकाल दे, कहाँ जाऊंगी, छोड़ो सेंटर। बाबा को छोड़ देते हैं, दोनों तरह के हैं, पर हमें बहुत पावरफुल बनना ही है। इसके लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन जैसा आप याद रखेंगे, दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। समझ रहे हैं ना, पति कह रहा है सेंटर नहीं जाना क्योंकि उसकी कमजोरी है पवित्रता, वो नहीं धारण कर सकते, है पवित्रता उसकी कमजोरी है। हम स्ट्रांग हो जाएं, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, तो उसकी कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। तो सभी अपने चिंतन पर बहुत ध्यान देंगे, चिंतन बहुत पॉजिटिव हो, बस अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपके ध्यान में दिला देता हूं, ज्यादा सोचने की आदत सबसे ज्यादा खतरनाक है। विनाश काल में उन आत्माओं को बहुत कष्ट होगा जो ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा सोचने वाले फिर निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, क्या होगा कैसे होगा ये सोचते हैं। हमें ज्यादा नहीं सोचना है। अब हम आत्मविमानी की प्रैक्टिस करेंगे और आप सीख लेंगे। ये प्रैक्टिस करते रहें आप, रोज कर लें तो बहुत सुंदर, 5 मिनट का काम है, तो अनेक गुण जीवन में धारण हो जाएंगे और आत्मीमानी स्थिति बनती जाएगी। देखें अपने को चमकती आत्मा, मैं मस्तक मणि, तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ,
मैं इस देह से न्यारी हूं, इस देह की मालिक हूं, बिल्कुल फील करें जैसे कि शरीर है ही नहीं, है केवल मैं आत्मा। अब चिंतन करें, मैं आत्मा शांत हूं, स्वीकार कर लें शांति मेरी नेचर है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं, मैं शांत हूं, शांत। मैं प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम की बहती गंगा हूं, मेरे चित्त में सभी के लिए निर्मल प्रेम समाया हुआ है। ईर्ष्या द्वेष नफरत का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं। मैं सुख स्वरूप हूं, मैं बहुत सुखी हूं, बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी। मैं परम पवित्र हूं, सभी विकारों से मुक्त हूं, पवित्रता के खजाने से संपन्न हूं, स्वीकार करते चलें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं, मैं माया से भी अधिक शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा हूं, देह की मालिक, देह से न्यारी। ओम शांति। आपको ख्याल में आ ही गया होगा, संकल्प करते हुए अभ्यास करना है, संकल्प छोड़ कर नहीं। ये मैंने आत्माभिमानी कुछ बातें आपको कही। अभ्यास करना, अभी 15 मिनट छुट्टी रहेगी,
फ्रेश होना हो खड़े हो सकते हैं, और 15 मिनट के बाद दूसरी क्लास।